आपको जो असली खबर मिलेगी वो यहीं से मिलेगी। कब मिलेगी? जब आएगी तब दे देंगे। बट वो बात, देखो बात मैं आपको इतना मैं बता दूं कि यस शुभमन गिल मे और मे नॉट रिमेन विद गुजरात टाइटंस। ये भी हो सकता है कि शुभमन गिल एग्जैक्टली ठीक है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं और ऐसी कोई वो भी नहीं है। देखो रिकी पॉन्टिंग, मैं आपको बता दूं, रिकी पॉन्टिंग एंड शुभमन गिल दे वर इन टच, नॉट टुडे, बट ऐसा था कि रिकी एक रास्ता ये भी बन रहा था कि आफ्टर रिकी पॉन्टिंग लेफ्ट दिल्ली कैपिटल्स, उनका ये था कि वो जा सकते थे गुजरात टाइटन्स, बट समहाउ दैट वाज स्टोन वॉल्ड मे बी एंड फॉर रीजंस यू वुड नो, क्योंकि मे बी आजकल लोग रिकी पॉन्टिंग इज समबडी जो अपने आइडियाज़ रखते हैं और बहुत स्ट्रांगली रखते हैं, हर किसी को वो मंजूर भी नहीं होता है, स्पेशली वहाँ पे जो ऑलरेडी वो कोचिंग स्टाफ है जो ऑलरेडी सक्सेस देख चुका है और भी बहुत लोग हैं। खैर तो एंड शुभमन गिल बाय द वे वांटेड कि रिकी पॉन्टिंग जैसा कोई बंदा हमारे कोचिंग स्टाफ में आए, उससे शुभमन गिल अ यंग एक ऐसे क्रिकेटर जो कल को इंडियन क्रिकेट, वर्ल्ड क्रिकेट डोमिनेट करेंगे, वो चाहते हैं या चाहते थे कि भाई रिकी पॉन्टिंग आए मेरे इस टीम में और मतलब मुझे भी फायदा हो, सबको फायदा हो, बट दैट डिडंट हैपन। अब बात ये हो गई कि रिकी पॉन्टिंग चले हैं पंजाब, बट रिकी पॉन्टिंग तो चाहेंगे कि भाई शुभमन गिल आ जाए मेरी टीम में। शुभमन गिल चाहेंगे पंजाब जाए? सवाल नहीं, नहीं, व्हेन यू से चाहेंगे मतलब यू कैन एक्चुअली बिड फॉर हिम, यू कैन से कि भाई बिड फॉर हिम तो तब होगा यार अगर शुभमन गिल रिटेन ना हो, वही मैं बोल रहा हूं, या वो रिटेन ना होना चाहते हो, वही मैं बोल रहा हूं। नहीं, पंजाब में खेलेंगे शुभमन गिल? नहीं, अगर नहीं यार तभी मैं बोल रहा हूं, फिर इसीलिए मैंने, नहीं 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 बात यही है कि आप कह रहे हो मैं चाहेंगे कि आप आ जाओ, बट शुभमन गिल चाहेंगे। देखो I don't think शुभमन गिल पंजाब और लखनऊ जाना चाहेंगे। पंजाब क्यों नहीं जाना चाहेंगे? You, for obvious reasons. What reasons? पंजाब आपको खुद पता है, फिर आप मुझे नहीं मतलब पता मुझसे बुलवा रहे हो आप जो कि पंजाब में रिकी पॉन्टिंग को रखा है, आपने कहानी बताई थी, मैं बिना उस खिलाड़ी का नाम लिए बताता हूँ, यू ओवरहर्ड अ प्लेयर कि जब आप बात कर रहे थे प्लेयर्स वहां पर, और ये बात मतलब ऐसा नहीं, बड़े और उस लेवल के प्लेयर्स हैं जो इंडिया से खेलते हैं, रेगुलरली खेलते हैं, सालों से खेलते आ रहे हैं, आगे भी खेलेंगे, यू ओवरहर्ड वन ऑफ द कहानी तो सुनाओ कि वो ऑक्शन ऑक्शन ये वो सो की बात हो रही थी कि भाई आप रहोगे नहीं, बोलते यार मन तो है बट दिक्कत हो रही है कि कहीं पंजाब ना बिट कर जाए हमारे लिए, पंजाब में ना चला जाऊं मैं, ये है तो है पंजाब में। देखो उन्होंने रिकी पॉन्टिंग को कोच रखा है, रिकी पॉन्टिंग भी अगर कोच बन के गए हैं एंड इतने साल बाद हो सकता है कि फ्रेंचाइजी भी अपनी कंडीशंस के अलावा किसी कोच की कंडीशंस पे अपनी टीम बनाए, शी नेवर नो। एंड शुभमन गिल का घर है भाई, शुभमन गिल का घर है उसमें, अब पता नहीं देखो गुजरात पर उनको उनको कोई रीजन ही है गुजरात छोड़ने का मेरे हिसाब से नहीं है। वाई वुड गुजरात लीव हिम, वाई वुड शुभमन नॉट वॉन्ट टू बी इन गुजरात, मतलब सिंपल सी बात है। ये तो मेरे लिए ऋषभ पंत की दो तीन दिन से खबर चल रही है कि वो शायद दिल्ली ना रुके, वो मेरे लिए तो वो भी बहुत बड़ा शॉकिंग था। आज आप कह रहे शुभमन गिल का भी नहीं, मैं इसीलिए बोल रहा हूं, देखो केएल राहुल का मैं फिर मानता हूं, ये मैंने केएल राहुल का आपको तीन चार महीने पहले का तो लगभग है ना, और जब मैंने उनका इंटरव्यू किया था वहां लखनऊ जाके मिस्टर गोयनका और जहीर खान का, मैंने तब भी आपको बोला था कि यार ठीक है, उससे एक दिन पहले ही जो आप गए थे उससे एक ही दिन पहले मिले थे ना वो केएल राहुल वहां आके, दो दिन पहले और हाँ। वो आपने ये बता दिया था कि ऐसा है यहाँ आओ फोटो खिंचाओ बाकी हम देखेंगे तुम्हें रखना है या नहीं रखना है ना, वो मैं मानता हूँ, बट आज अगर आप शुभमन गिल का भी मुझे कह रहे हो वो मेरे लिए बहुत मे और मे नॉट भी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ उसमें मैं आपको बात भी खुलनी, 2% बात खुलना भी मेरे लिए बहुत बड़ी खबर है, नहीं इसीलिए कह रहा हूँ ना, हो सकता है ना हो मे भी, और देखो जो भी है एक ना प्लेयर नहीं चाह रहा है, किसी को नहीं रुकना है, मनोज ये फैक्ट है, ये फैक्ट है,
आप देखो ना प्लेयर्स, और जिन प्लेयर्स की हम बात कर रहे हैं वो बड़े प्लेयर्स हैं, जब हम बड़े प्लेयर्स की बात कर रहे हैं उनको भी पता है उम्र में भी बड़े हैं कि उनकी क्रिकेट कितनी बची है। ठीक है, शुभमन के लिए यार अभी तो उनका करियर शुरू हुआ है, ही इज ऑलरेडी टेकिंग दोज जायंट स्ट्राइड्स कि भाई, बट ये ना अब मैं राशिद खान का सिंपल सा आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। अब जो खबर चल रही है कि जी राशिद खान को है वो हाईएस्ट मतलब फर्स्ट रिटेंशन होंगे राशिद खान, क्यों होंगे राशिद खान फर्स्ट रिटेंशन? हैदराबाद में भी वो यही बोल के निकल लिए कि मेरे को होना है बट फर्स्ट रिटेन प्लेयर मेरे को होना है, यहां पर भी उनको फर्स्ट रिटेन प्लेयर होना है। शुभमन गिल द मोमेंट इट हैपेंस, शुभमन गिल को खुद ही लात मार के निकल लेना चाहिए। आई एग्री विद यू, खुद ही लात मार के निकल जाए। I'm sorry to use that kind of language. 500% गुजरात टाइटंस, हाँ वहाँ से गुजरात टाइटंस, हाँ गुजरात को लात मार के निकल जाना चाहिए गुजरात टाइटंस। In case वो के you are second, हाँ अगर वो second ना आप क्यों कैसे हो और बॉस एक चीज मैं बता दूँ, गुजरात भाई शुभमन गिल देखो इसमें क्या होता है, शुभमन गिल इज योर पोस्टर बॉय। ये आपको याद है जब हार्दिक वहां चली गई तो एक कोई इनकी एड या टैगलाइन आई थी जो शुभमन गिल ने कुछ बोला था उसमें कुछ था, उसको भी बड़ा मतलब उस तरीके लॉयल्टी की बात की थी वहां पर, हां की वो और अभी भी मैं आपको बता दूं ये सब चीजें जो आप सुन रहे हैं ये होगा वो होगा, दीज आर ऑल स्पेकुलेशंस। अभी अब मैं देख रहा था कि मैंने सुना कि आज कोई मीटिंग वोटिंग भी हुई है, मुझे तो नहीं पता, सुना आशीष नेहरा तो सुना आज आए हूँ, आज गोवा से कहीं आए हैं, जहाँ भी आए होंगे गोवा से बॉम्बे आए होंगे जहाँ भी हो तो गोवा रहते हैं। आशीष नेहरा तो रुक रहे कहाँ, आशीष नेहरा कहाँ जाएंगे यार, ऐसे बीच में उनका भी चला था ना एक वक्त पर बहुत, आशीष नेहरा भी शायद मैंने क्या जब गैरी कर्सन का भी हो गया था, आशीष नेहरा कहाँ जाएंगे अब वो मुझे नहीं पता, बट वैसे मेरे को लगा कि अब सभी जा रहे हैं इधर उधर तो भी कहीं आरसीबी से वो छोड़ के आरसीबी से निकल चुके हैं वो। ठीक है, मुझे नहीं पता कि दिल्ली उनको लेना चाहता है या नहीं चाहता है, लखनऊ को लेना चाहता है या नहीं, को तो कुछ पता ही नहीं है। क्या लाइनअप बनाया है आपकी टीम ने? मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब, जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स द कैंप।